क्या है? मेरा नाम है अजय सहगल। अजय सहगल जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वाराणसी, बनारस से। वाराणसी। और क्या काम करते हैं? हमारा बिजनेस है डिश एंटीना केबल टीवी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके, आपने जो वीडियो देखा होगा उससे आपने क्या पाया, क्या समझा, कितनी बात आपको समझ में आई? नहीं, अच्छी बात लगी कि इस तरह की सोच वाले अच्छी चीजें डाल रहे हैं आपके अपने व्हाट्सएप पर चलते। हाँ हाँ, बढ़िया लगा पढ़ करके। ओके, आपको ऐसा नहीं लगा कि अब ये महापरिवर्तन का समय है और हम सब लोगों को जुड़कर जो जोड़ने वाला काम है, यदि हम उसे 9 दिन तक भी पूरा कर देंगे 10 लोगों को जोड़ने का शपथ के साथ, तो एक महापरिवर्तन के लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे? और केवल हाथ ही मजबूत नहीं कर पाएंगे बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर भी कर पाएंगे। क्योंकि मॉडल के अनुसार ये महापरिवर्तन संभव है, लेकिन उसमें वो राजनीतिक इच्छा शक्ति आना चाहिए। बिल्कुल राइट। तो उसमें जो है गुलामों के नियम कानून भी बदल जाएंगे, व्यवस्था प्रशासनिक बदल जाएगी, आपको अपराध मुक्त भारत ऐसा मिलेगा जिसमें कि आपको FIR दर्ज कराने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, 15 दिन में एकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जजेज और वकीलों की संख्या जो है ना बाधा नहीं बनेगी, और उसके बिना जो है अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा जो आज की 30 वर्षों में भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल सही। और वो भी न्याय नहीं होता है, जजमेंट होता है जिसमें बहुत सारी जगह अन्याय होता है। एक तरफा जजमेंट होता है और जिसको लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो और उसमें रेवेन्यू का भी प्रावधान है कि पब्लिक को रेवेन्यू बटेगी और भारत सरकार भी मालामाल हो जाएगी। तो इस मॉडल में भारत सरकार की आमदनी 20 गुना बढ़ने का प्रावधान है, दो अलग अलग मॉडल के तहत। और आम आदमी से जब आपके पास 20 गुना पैसा है और आपका सरकार का खर्च आधा हो जाएगा, तो फिर आपको आम आदमी से टैक्स क्यों लेना है? तो टैक्स फ्री भारत हो जाएगा। आज आपके पार्टी तंत्र ने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। देखिए, ये पार्टी तंत्र जो है अच्छे लोगों को टिकट नहीं देता है। देता है क्या? नहीं देता है। दुष्चरित्र और अपराधियों को टिकट देता है और वो जो है जीतने के लिए अपराध घटित करते हैं। देखिए, दारू बांटना, पैसे बांटना, साड़ी बांटना आज के नियमों में अपराध है कि नहीं है? तो वो जीतने के लिए अपराध कर रहे हैं। जीतने के लिए ये सब आवश्यक है, तो जीतने के लिए भी वो अपराध कर रहे हैं। और जीतने के बाद हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ हुई? डेमोक्रेसी की परिभाषा है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, राइट? और ये तो हो गई गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी बाय द पार्टी फॉर द पार्टी। तो ये डेमोक्रेसी हुई या पार्टी कृषि हुई? पैसे का बोलबाला है, ये तो टोटल पैसे का बोलबाला है। पैसे का बोलबाला है और पार्टी का भी बोलबाला है और इंसान पिस रहा है और ये लोग संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जब इस देश के संविधान ने भारत के हर नागरिक को बराबर बनाया है और सरकार के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया है कि आप जाति, धर्म, सेक्स, रेस, लैंग्वेज या रिलीजन उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो फिर माननीय जो जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में वक्फबोर्ड एक्ट कैसे बनाया? जब जो है संविधान का दिशा निर्देश है कि कॉमन सिविल कोड होगा, तो 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1952 में कम्युनिटी स्पेसिफिक कानून कैसे बने? क्या वो संविधान के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं है क्या? बिल्कुल।
जब जाति के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है तो बीपी सिंह ने मंडल कमीशन कैसे बना दिया? क्या वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है? तो क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है क्या? वही है ना, इस ये आदमी या तो सुप्रीम कोर्ट में पीएलआई दाखिल करे, उसके ऊपर फिर सुनवाई हो। नहीं तो ये जो पीआईएल तो ये लोग मानते नहीं है। देखिए पिछले 8 साल में 3 PIL लगाई गई। एक PIL मतलब ये तीनों PIL का मजनून ये था कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर और साचरित्र होना चाहिए तो हमारे ये हमारे पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव जो बने हुए हैं, जो कानून के निर्माता हैं, ये अनपढ़ गवार अपराधी और बाहुबली क्यों हैं? ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तीनों PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और पार्लियामेंट से और सरकार से निवेदन किया कि आप इसमें संशोधन लाइए और जिन लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन्हें टिकट से वंचित कर दीजिए। ऐसा किया क्या? नहीं, नहीं किया। तो PIL में आपके पास निर्णय होने के बाद क्या फायदा निकला? लेकिन ये ना इसमें फिर कानूनी दाव पेश करने वाली बात है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कानूनी दाव पेश की बजाय यदि 21 लक्ष्यों के साथ जो हमारे हैं, यदि हम जो है सिर्फ लोगों को जोड़कर दबाव बना दें तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत नहीं हो जाएंगे और वो जो है ना इन सभी चीजों के लिए टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? और यदि वो नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं रहेंगे जो हैं, और फिर आपके चंद्रगुप्त विजयी होके हम स्वयं इस कानून को बदल देंगे। तो मैं तो माननीय पहले तो अपने आप से बात कहूंगा कि सब लोग जो है ना शपथ लें और 10-10 लोगों को जोड़कर 21 लक्ष्यों के लिए अपने बच्चों को अच्छा भारत देने की कोशिश करें। ठीक है ना, और सबसे पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करें कि भैया इन 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स आप बना दीजिए। मैथिलीशरण गुप्त आपको साथ जो है ना काम करने के लिए तैयार हैं। आप जो है यदि 2029 तक महापरिवर्तित भारत संभव है तो हमको दीजिए, राइट? और हम आपके हाथ मजबूत करते हुए 303 की जगह आपको 543 सीटों पे जिता देंगे। जिता देंगे कि नहीं? तो आप जो है अभी आपने क्या क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लिया है? नहीं, अभी ऐप हमने डाउनलोड कर लिया। तो उसको आपने ये समझा है कि जो हमने आपको वीडियो भेजा है उसमें पहली लिंक जो है नीचे वाली वो है वो ऐप को डाउनलोड करने की है, ठीक है? अच्छा, दूसरी लिंक है वो YouTube को खोलकर उसे सब्सक्राइब करके हर दिन एक वीडियो देखने के लिए है। अच्छा, तीसरी लिंक है वो है टेलीग्राम ऐप को के ग्रुप से जुड़ने की। तो यदि आपने टेलीग्राम ऐप को आप यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप से बहुत अच्छा है ये, इसे डाउनलोड करके और जब आप तीसरे नंबर की लिंक को क्लिक करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के मेन ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अगली लिंक में जो है 21 वो लक्ष्य हैं जिनके तहत महापरिवर्तित भारत आपको मिलने वाला है। अगली लिंक में जो है किन किन लोगों को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, उसके बारे में मार्गदर्शन है। 21 विधाओं के तहत लोगों को जोड़ने का मार्गदर्शन। अगली लिंक में जो उसके 9 विशेष मंत्र है कि इन 9 मंत्रों के तहत जो है ना देश बदलेगा वो उसका है, राइट? तो इस तरीके से फिर चंद्रगुप्त की शपथ है तो आप बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं और सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैं तो अजय सहगल नाम बताया था ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अजय सहगल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब पूरी शक्ति से भिड़िए और यदि जो है आप डरे सहमे हैं, सताए घबराए हैं तो पर्दे के पीछे रहते हुए सदस्य शपथ के तहत 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने का संकल्प कीजिए, जिसके तहत आपको अपने बच्चों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, पड़ोसियों को जोड़ना है, युवा साथियों को जोड़ना है, बुजुर्ग साथियों को जोड़ना है और जो जिन संस्थाओं से और संगठनों से आप जुड़े हैं उनके लोगों को ऊर्जाकृत करके संकल्पित करके जोड़ना है। यदि आप ऐसा कर देंगे
तो मात्र 9 दिन में महाकल्याण हो जाएगा, जिसमें 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना होगा, केवल 9% लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, 0.9% लोगों को 20 लोगों को, 0.09% लोगों को 30 लोगों को, 0.009 को 40 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9000 लोगों को 50 को जोड़ना है, 900 को 60 और 90 को 70 और 9 लोगों को 8 लोगों को जोड़ना है, 80 लोग, समझे ना। चलिए तो चलिए अजय जी जो है इसमें पूरे श्रद्धा के साथ भिड़िए, राइट, और हम लोग आपस में संवाद रखेंगे, ठीक है। जरूर जरूर। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।